हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको तोरण बनाना बताऊंगी, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। हम यहाँ ग्लू भी नहीं यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ ये जो एम्प्टी रोल होता है टिश्यू पेपर का और ये पिंस जो हम बाल में लगाते हैं वो पिंस ले लेंगे। और इसको मैं 5 से 6 सेंटीमीटर का इस तरह से मैं काट लूँगी। मार्क कर लीजिए और फिर इसे काट लीजिए आप। ये देखिए, आप प्लास्टिक का कोई बॉटल भी ले सकते हैं। और यहाँ 12 मार्किंग करनी है आपको, 12 पिन चाहिए, 12 मार्किंग कर दीजिए आप इस तरह से इक्वल डिस्टेंस पे। और ये जो पिन है इसको आपको इस तरह से लगाना है, जो लंबा वाला थोड़ा सा भाग होता है ना वो बाहर की साइड आना चाहिए और छोटा वाला है वो अंदर की तरफ, जैसे कि मैं वीडियो में बता रही हूँ उसी तरह से आप इसको डालिए और बराबर डिस्टेंस पे आप ये 12 पिन लगाइए। जो सर्कल है आपका उसका आप रेडियस निकालिए, फिर आप उस हिसाब से इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। ये देखिए मैंने इस तरह से कर लिया है, ये देखिए 12 पिन मैंने इस तरह से लगा दी है। इंस्ट्रूमेंट आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है मार्केट से, घर पे ये आसान तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको गेंदे का फूल बनाना बताऊँगी, तो इसके लिए इस तरह के कलर्स ले लिए हैं, ऑरेंज और येलो। तो आपके पास जो भी ऊन है आप उससे बना सकते हैं। ये नो ग्लू वाला तोरण है फ्रेंड्स, तो यहाँ एक छोटा सा नॉट लगा देंगे, इस तरह से गांठ लगा दीजिए और ये देखिए। और आपको 4 पिन छोड़नी है, जहाँ गांठ लगाइए उसके बाद आपको 4 पिन छोड़नी है। तो देखिए इस तरह से गांठ लगा दिया, तो 4 पिन के बाद 5वें पिन में आपको डालना है, फिर 4 पिन छोड़नी है, 5वें पिन पर डालना है, बस यही करना है हमें। 1 2 3 4 5वें में डाला, 1 2 3 4 5वें में डाला, तो इस तरह से देखिए स्टार अंदर बनने शुरू हो चुका है। तो 1 2 3 4 5वें में डालो, 1 2 3 4 5वें में डालो, इसी तरह से आपको इसे गोल गोल घुमाते हुए इसे पूरा बनाना है। बट शर्त ये है फ्रेंड्स कि जो पिंस है वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा तो परफेक्ट आपका फ्लावर बनेगा। तो इस तरह से आपको 4-4 पिन बीच में छोड़ते हुए 5वें पिन पे आपको इस तरह से डालना है, फिर 4 छोड़िए 5वें पे डालिए, इस तरह से आपको कंटिन्यू करना है। एटलीस्ट आप 10 से 12 बार करिएगा ताकि अच्छा सा गेंदे का फ्लावर तैयार हो। तो यहाँ मैं आपको आराम से ये वाला स्टेप बता रही हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए 4-4 पिन छोड़ने के बाद 5वें में डालना है, बस यही हमें करते जाना है। और 12 पिन ही होना ज़रूरी है फ्रेंड्स, तभी ये वाला जो पैटर्न है वो बनेगा। तो बहुत ही आसान तरीके से बन रहा है फ्रेंड्स, और आपको मार्केट से इसका कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप घर पर भी बना सकते हैं, प्लास्टिक की बॉटल पर बना सकते हैं, स्टील का कोई पाइप का टुकड़ा बना है उस पर भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप बनाइए, इतना बड़ा चाहिए उस हिसाब से आप बड़ा जो बेस है, जैसे मैंने यहाँ टिश्यू पेपर का रोल लिया है, उस हिसाब से आप कुछ भी ले सकते हैं। तो 4-4 छोड़ते हुए 5वें पे आपको डालते जाना है। और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल ये अभी से बन रहा है, एकदम ये स्टार जैसा दिख रहा है, ये देखिए। तो इस तरह से आपको करना है, और इस तरह से एटलीस्ट आपको 12 से 15 बार करेंगे तो अच्छा खासा आपका फूल जो बनके रेडी होगा। तो देखिए अभी ये कम है, तो अभी मैं कर लेती हूँ इसको पूरा कंप्लीट। तो इस तरह से 4 छोड़ते हुए 5वें पे डालना है, यही आपको रिपीट करते जाना है फ्रेंड्स। आराम से आप टीवी देखते देखते भी कर लेंगे। 1-2 फ्लावर बनाने में थोड़ा सा आपको लगेगा, पर बाद में फिर आपका हाथ ऑटोमेटिक चलने लगेगा। तो देखिए ये हो गया है फ्रेंड्स, तो 4 के 5, तो बस अब मुझे लग रहा है इतना बस हो गया है, ये देखें। तो अब मैं थोड़ा सा धागा इस तरह से ले लूँगी और कट कर लूँगी, क्योंकि अब हम इसको स्टिच करने वाले हैं। तो मैं यहाँ सुई ले लूँगी फ्रेंड्स, और सुई में ये हम डाल देंगे उनको। आपको जो कलर चाहिए वो कलर मैं यहाँ गेंदे का बता रही हूँ, इसलिए मैं पीला और ऑरेंज कलर ले रही हूँ। तो ये स्टेप अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो जहाँ हमारा धागा स्टॉप हुआ है ना, वहाँ ये जो देखें यहाँ आपको अंदर डालना है, ये देखिए नीचे से निकलना चाहिए फ्रेंड्स, इसलिए नीचे से ओपन होना बहुत ज़रूरी है। और इसको पूरा आपको टाइट नहीं करना है फ्रेंड्स, ये देखिए। और इसके एकदम बाजू में जो होल है ना, वहाँ से आपको नीचे से ऊपर डालना है, इसके बाजू वाले होल में। तो ऊपर से आप चेक कर सकते हैं कौन सा होल, और फिर आप डाल सकते हैं। और जो धागा हमने साइड में से निकाला है वो उस धागे के अंदर डाल के एक नॉट लगा देना है, ताकि ये सिक्योर हो जाए। फिर से हमें जो पहले वाले में हमने डाला था उसमें आपको डालना है, और फिर आपको इस तरह से उंगली पे रख लेना है और सेंटर में से निकालना है। हमें अभी पूरा जो फूल है उसे बांध देना है, देखिए गांठ लगा दिया मैंने। इसी तरह से हर एक इसमें, ये देखिए ये छोटा सा ट्रायंगल जहाँ बना होता है वहाँ से आपको डालना है, उंगली में इस तरह से आप रख दीजिए, सेंटर में से निकालिए और गांठ लगा दीजिए, ये देखिए।
पहला जो स्टेप है वही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और बाद में तो फिर आप इस तरह से जस्ट वहाँ ट्राइंगल ट्राइंगल बने ही होंगे, आपको बस नीडल को अंदर डालना है, बीच में से निकालना है और इसमें एक गार्ड इस तरह से लूप जो रेडी है उसमें आपको डाल के गार्ड लगा देनी है। देखिए इस तरह से दो जो ट्राइंगल्स बनते हैं उसके बीच में एक छोटा ट्राइंगल बनता है उसमें से आपको करना है, तो इस तरह से आपको करना है। ये देखिए इसमें डाल दिया, उंगली में फंसा लीजिए धागे को, बीच में से निकालिए और ये देखिए नॉट लगा दिया मैंने। इस तरह से आप करते हैं तो पूरा जब हम खोलेंगे तो फ्लावर छूट नहीं जाएगा, एकदम परफेक्टली आपका फ्लावर बन के रेडी होगा। तो ये देखिए इस तरह से आपको करना है, बीच में से डालना है, फिर एकदम सेंटर में जो बड़ा होल है वहाँ से निकालना है और यहाँ नॉट लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स ये। तो यहाँ मेरी सुई निकल गई है तो मैं फिर से डाल देती हूँ और फिर सेंटर में डाल के फिर से नॉट लगा देते हैं। ये देखिए 8 बार होता है फ्रेंड्स इस तरह से, 8 से 9 बार अगर आपका कुछ मिस हो गया तो बस बाद में आपको इसको आसानी से निकाल देना है, बस स्लाइड ऑफ करना है। ये देखिए बहुत ज़्यादा टाइट करके खींचिएगा नहीं, जितना ये है उस हिसाब से करेंगे तो सारे फ्लावर एक ही साइज़ के बनेंगे। ये देखिए इस तरह से हो गया है। अब सेंटर में से ये जो फर्स्ट वाला धागा जो गांठ मारा था ना हमने उसको ले लेंगे और इस तरह से यहाँ 2 कार्ड लगा के इसे कट कर लेंगे। और देखिए हमारा जो गेंदे का फ्लावर है वो परफेक्ट रेडी है, ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये, तो बिना कोई इंस्ट्रूमेंट घर पे ही हमने बनाया है इसे। चलिए मैं एक और आपको बता देती हूँ कैसे आपको गांठ लगानी है। तो सबसे पहले आपको ये देखिए यहाँ जो ट्राइंगल है वहाँ आपको डाल लेना है नीचे से, और फिर जो 7 वाला है वो आप देख लीजिए और इस तरह से ऊपर से डाल के पहले चेक कर लीजिए कौन सा वाला होल है और फिर नीचे से आप उसको डाल दीजिए और यहाँ एक नॉट लगा दीजिए, ये देखिए। और फिर जहाँ आपने पहली बार डाला था वहीं आपको फिर से डालना है और उंगली में इसको अटका लेना है और बीच से आपको निकालते हुए एक नॉट लगा देना है। तो उसी तरह से आपको सारे ट्राइंगल छोटे वाले ट्राइंगल्स में आपको डालना है, बीच से निकालना है और इसको नॉट लगा देना है। ये देखिए जैसे मैं बता रही हूँ बहुत ही आसान है, 1-2 बार करेंगे तो आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी फ्रेंड्स। और इसको जब बनाते हैं ना तब आपको ज़्यादा खींचना नहीं है, अदरवाइज़ फिर निकालने के टाइम पर प्रॉब्लम होगी, एकदम ढीला ढीला छोड़ना है, बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना है। तो इस तरह से आपको कर लेना है, ये देखिए डालना है फिर सेंटर से निकालना है। ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ही आपके फूल को बांधेगा पूरा, अगर आप ये स्टेप नहीं करेंगे तो जब आप निकालेंगे तो पूरा छूट जाएगा। तो इस तरह से डालना है फ्रेंड्स और ये देखिए नीचे से निकालना है और गांठ लगा देनी है, बहुत ही आसान है। और ये जो तोरण है फ्रेंड्स ये वॉशेबल है क्योंकि हम इसमें कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं कर रहे हैं जो वॉश नहीं हो सकता है। तो ये देखिए लास्ट वाला भी हो गया है और यहाँ मैंने इसको खींच लिया है, ये देखिए अब निकाल लेते हैं फूल को। तो मैंने 2 फ्लावर्स आपको बना के बता दिए एकदम आराम से, आप समझ ही गए होंगे। कुछ भी अगर प्रॉब्लम लगे आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर ये धागे को ये साइड ले लेंगे और दोनों इसमें 2 गांठ लगा देंगे ताकि ये एकदम से सिक्योर हो जाए और एक्स्ट्रा धागे को काट लेंगे। ये देखिए हमारा जो फ्लावर है वो रेडी है और ये वॉशेबल है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से मैंने सारे बना के रखे हैं, ये लग रहे हैं ना एकदम गेंदे के फूल, तो हर ओकेजन त्यौहार पे ये आपका तोरण चलेगा। अब मैं यहाँ ग्रीन कलर का ये ऊन ले लूँगी, आपको जितना लंबा ये बनाना है तोरण उतना आप ले सकते हैं, वॉल डेकोरेशन के लिए भी काम आ सकता है फ्रेंड्स, रंगोली बनाने के लिए भी ये फूल आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत वैरायटी में ये फूल आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको जितना लंबा बनाना है तोरण उतना आप लंबा ले लें और 10 से 12 बार इस तरह से आप ले ले थोड़ा मोटा सा, ये देखिए इस तरह से, और बाद में आप इसको कट कर ले। ये देखिए मैंने 10 बार लिया है फ्रेंड्स, आप 12 बार भी ले सकते हैं थोड़ा और मोटा बनाने के लिए, ये देखिए इस तरह से। अब हम एक छोटा सा धागा लेंगे, कोई भी ले लीजिए और इस तरह से बांध दीजिए क्योंकि अब हम जो हमारे गेंदे के फूल है वो इसमें डालने वाले हैं। तो इस तरह से हल्के से गांठ लगा दें, बहुत ज़्यादा टाइट गांठ ना लगाएं और एक साइड से आप फिर सुई डाल दें और जो हम गेंदे के फूल हमने प्रिपेयर किए हैं वो अब हम इसमें
डालेंगे फ्रेंड्स। तो वन बाय वन आप डालते जाइए। आप चाहे तो इसे ऑरेंज कलर के बना सकते हैं या इस तरह से दो रंग के बना सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही सुंदर लगता है ये डेकोरेशन जब आप करते हैं। आप तोरण बना लीजिए, वॉल डेकोरेशन कर लीजिए, रंगोली में भी आप इसे बीच में रख सकते हैं या इसकी ही रंगोली भी बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है। तो वन बाय वन आप इसको डाल दीजिए। ये देखिए इस तरह से इसका सेंटर आप ढूंढ लीजिए और सुई डालते हुए इसको आप इंसर्ट कर लीजिए। ये देखिए वॉशेबल है फ्रेंड्स। आप बस इसको पानी में शैम्पू डालिए थोड़ा सा और इसको वॉश डिप कर लीजिए और फिर निकाल के इसे धूप में सुखा दीजिए तो ये वॉश भी हो जाते हैं। तो 100% वॉशेबल है और बार बार आप इसे यूज़ कर सकते हैं। कोई इसमें वियर एंड टियर भी नहीं होगा, कोई ख़राब नहीं होगा। इक्वल डिस्टेंस पे इसे रख लेंगे फ्रेंड्स। कितना आपको बीच में गैप रखना है उस हिसाब से इसको अरेंज कर ले आप। ये देखिए इस तरह से बहुत ज़्यादा गैप नहीं रखना है, थोड़ा थोड़ा आपको गैप रखना है इस तरह से। और ये देखिए हमारा जो तोरण है वो रेडी है। यहाँ ऊपर मैंने इसको बांध लिया है और फिर छोटे छोटे आप ग्रीन कलर के ऊन ले ले और इस तरह से आपको बांध लेना है ताकि वो गेंदे के फूल की जो डंडी होती है ना वो दिखे इस तरह से। ये देखिए फिर दूसरा फूल को ऊपर ले लेना है और फिर से इस तरह से छोटा सा ऊन का टुकड़ा ले लेना है ग्रीन कलर का और यहाँ बांध देना है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। लग रहा है ना कि गेंदे का फूल है ये। तो इस तरह से स्लाइड करते जाना है, छोटा टुकड़ा ऊन का लेना है, हराई कलर लीजिएगा और इस तरह से बांध दीजिए और इसको कट कर लीजिए। दो धागा बांधेंगे, दो गांठ तो इनफ है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीका बताया है। और नीचे मैंने थोड़ा ज़्यादा लंबा ले लिया था तो मैं नीचे इसको डबल करके इसका एक लटकन सा बना दूंगी यहाँ। तो इस तरह से आप इसको गांठ बांध दें और फिर जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको भी लपेट लें इस तरह से ताकि वहाँ कुछ दिखे नहीं, कोई एंड्स नहीं दिखे। और फिर आप अच्छी तरह से इसको सील कर दें, गांठ मार दें। हम यहाँ कोई ग्लू का भी यूज़ नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स। ये 100% नो ग्लू वाला DIY है। बहुत ही सुंदर है, बच्चों को भी आप सिखा देंगे तो वो भी बना सकते हैं। तो देखिए ये इस तरह से लटकन रेडी है। तो हमारा जो तोरण है वो रेडी है। आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा ग्रीन को फैला दें, ये देखिए। और दैट्स इट, हमारा जो तोरण है वो रेडी है। अब वॉल डेकोरेशन के लिए यूज़ करें, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करें, घर पे तोरण लगाएं। बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं ये। देखिए आपको कैसे लगे, लग रहे हैं ना ये गेंदे के फूल। बहुत ही सुंदर और इजी ये तोरण है, वॉशेबल है, इससे ज़्यादा आपको क्या है। तो आप इस तरह से डिफरेंट वैरायटीज़ में लगा सकते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। टिल देन टेक केयर, बाय। Bye.